Cutting across live now to Gurgaon, where the AAP rebels are holding a Swaraj Samvad. Shanti Bhushan is speaking at the moment. He's one of the patrons of the Aam Aadmi Party. भ्रष्टाचार को उजागर करने में उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत योगदान दिया, जिसकी वजह से जनता में इतना आक्रोश भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ कि जो यहाँ की पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता खड़ी हो गई। मुझे याद है 8 अप्रैल तक 4 दिनों में सारे देश में एक ऐसी हवा चली, चारों तरफ हर देश में, हर शहर में लोगों के जत्थे के जत्थे निकलते अन्ना आंदोलन के साथ झुक रहे थे। तब 8 को सरकार को झुकना पड़ा और उनको जो डिमांड थी उसमें कि आप ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाइए जन लोकपाल के लिए, जन लोकपाल ही भ्रष्टाचार को दूर करेगा, इसकी गूंज सारे देश में सुनाई पड़ रही थी। और सरकार झुकी और झुक के उन्होंने माना कि हम ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएंगे और बनाई, जिसमें हम लोग गए। और उसके बाद क्या हुआ आप सबको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इस आंदोलन के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि भाई ये तो जैसा जन लोकपाल बिल हम बनाना चाहते थे, जिस तरह की नीतियां हम देश में स्थापित करना चाहते थे, ये लोग नहीं करेंगे, तो हमने उनका चैलेंज माना कि हम लोग भी पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में आप लोगों को हरा करके और देश की राजनीति में एक नई क्रांति लाएंगे। ये हम लोगों ने फैसला किया और हमारा फैसला किस तरह की पार्टी बनाने का था, बिल्कुल साफ सुथरी आइडियल जिसको कहते हैं, जिसमें कोई उंगली न उठा सकता हो, हर एक चीज उसमें साफ होगी, पारदर्शी होगी, जनता की भागीदारी होगी, कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी, उनसे पूछ के उम्मीदवार तय किए जाएंगे कि किसको टिकट दिया जाए, उसमें किसी एक जने की डिक्टेटरशिप नहीं होगी, सबकी साथ राय लेकर सब कुछ तब चलेगा। लोकतंत्र की यही तो मजबूती है, एक आदमी गलती कर सकता है लेकिन सब मिलकर गलती नहीं कर सकते, यही लोकतंत्र की मजबूती है। और ये पार्टी हम लोगों ने बनाई और उस पार्टी में सारे वर्गों ने, न कि सिर्फ इस देश में, विदेश के 30 दिन विदेशों में जहां भी भारतीय रहते हैं उन्होंने अपनी आस्था जताई, कहा अभी तक तो मिडिल क्लासेस वोट देने जाते नहीं थे लेकिन उन्होंने लगा कि आज अगर देश में अच्छी राजनीति चलानी है तो सबको आके वोट देना होगा और ऐसी पार्टी को देना होगा जो पारदर्शी और बिल्कुल स्वच्छ राजनीति करेगी, कोई उसमें धोखाधड़ी नहीं होगी और नीतियों की राजनीति होगी, हर वर्ग के समस्याओं को समझ के और उसके लिए नीति सबसे एक्सपर्ट से कंसल्ट करके नीतियां बनाई जाएंगी। जैसे आज किसानों की समस्या है, ऑर्डिनेंस जो है बहुत चर्चा हो रही, ऑर्डिनेंस तो एक बहुत छोटी चीज है, आज किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं इस पे विचार करने की जरूरत है। क्या उसके लिए हमारी नीति हो सकती है कि जिससे किसानों की दशा में सुधार आए? मेरा एक मोटा मोटा सुझाव है जिसको आप लोग कभी बैठे तो विचार करिएगा कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान को मिलता है, स्वामीनाथन कमेटी ने कहा है कि यह बहुत कम है और इसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि आम आदमी पार्टी इस पर सोचे और फैसला करे कि वीट का, पैडी का, पल्सेस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी पार्टी 50% फौरन बढ़ाएगी और जिससे किसानों की दशा बदलेगी, गांवों की दशा बदलेगी। मुझे याद आता है चौधरी चरण सिंह,
जब भी गन्ने के दाम की बात होती थी हमेशा ये कहते थे, जब तक किसान की जेब में ज्यादा पैसा नहीं जाएगा तब काम नहीं सुधर सकते, किसान की दशा नहीं सुधर सकती। जो आपके लिए अन्न पैदा करता है उसकी दशा नहीं सुधारने के दिशा में क्या कदम हो। बहुत सी ऐसी बातें थी। आज दिल्ली में लुटियंस बंगलो जोन में एक एक बंगला, चार चार एकड़, पांच पांच एकड़ के बंगले में एक मंत्री रहता, एक अफसर रहता, एक जज रहता। क्या जहां जिस देश में रिपब्लिक है, जनता का राज है, बाकी सब उसके नौकर हैं, चाहे जज हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब उसके पेड सर्वेंट्स हैं, उनको तनख्वाह मिलती है अपना काम करने के लिए। क्या मतलब है? अरे अंग्रेजों के बाद समझ में आती थी कि वो अपना रोब दिखाना चाहते थे जनता पे, जिससे जनता दबी है। क्या लुटियंस बंगलो दोनों? आज मेरी मांग है कि हर बंगले को लुटियंस बंगलो दोनों दिल्ली में जो है उसको स्कूल या अस्पताल में बनाना चाहिए, और मिनिस्टर्स के लिए, मंत्रियों के लिए, अफसरों के लिए, जजों के लिए फ्लैट्स, मल्टी स्टोरिंग फ्लैट्स, अच्छे आरामदायक, जहां अपनी होशियारी से वो अच्छा काम कर सके। दिखावा एक बड़े आडंबर का ना हो लुटियंस जोन में। मुझे याद आता है दो साल पहले अखबार में छपा था कि जर्मनी और फ्रांस में वहां के जो अमीर लोग थे, जो टैक्स बहुत देते थे, उन्होंने अपनी संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजा जिसमें कहा हमारा इनकम टैक्स आप बढ़ाइए। कोई कहता है? उन्होंने कहा क्योंकि असमानता बढ़ रही है, और अगर असमानता बढ़ती रही तो समाज के लिए खतरा है। उन्हें समझ में आया कि उनके खुद के लिए ये जरूरी है कि असमानता को न बढ़ने दें, और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को प्रार्थना पत्र भेजा कि हमारा इनकम टैक्स बढ़ाए। आज इस देश में जो अमीर हैं, जिनका बहुत आमदनी है, क्या वो पार्लियामेंट को नहीं कह सकते कि हमारा इनकम टैक्स बढ़ाइए? जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है हम लोगों की, उनका टैक्स बढ़ाइए 30% से 40% या 50% करिए। ये सब बातें आज आम आदमी पार्टी को सोचनी होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद जगाई थी कि इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, सचमुच में जनता का राज होगा, उसकी मशाल को बुझने नहीं देना है। ये आज आप लोग इस संवाद में संकल्प करें, जिस तरीके से भी हो, लेकिन इस मशाल को बुझने नहीं देना है और इस काम को आगे बढ़ाना है। जो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी, जबकि उसमें बहुत सारी गलतियां की गई थी टिकट बांटने में, फिर भी 1,13,00,000 लोग आम आदमी पार्टी के साथ देश में जुड़े थे, जिन्होंने वोट दिया था। 50 करोड़ वोटर में 1,17,13,00,000 वोटर हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि उनका सपना था, उनका एक सपना था कि देश बदलेगा। उस सपने को चकनाचूर नहीं होने दीजिएगा, चाहे जो कुछ हो जाए, जो कुछ करना पड़े। इसीलिए मेरा आपसे एक कार्यकर्ता के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद। आदरणीय शांति भूषण जी ने